वेल हेलो गाइस, स्वागत आप सबका वॉच टॉप 10 के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बात हॉलीवुड की टॉप 10 ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड मूवीज की, जिनमें आपको ग्रीक माइथोलॉजी के ज्यूस, हेडीस, पोसाइडन और हरक्यूलिस जैसे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। और लकीली ये सभी मूवीज हिंदी में भी अवेलेबल हैं। इन मूवीज का डाउनलोडिंग प्रोसीजर आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देखने मिल जाएगा, वरना आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर इन सभी मूवीज को एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की। तो इसी के साथ चलिए हमारा आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2014 में। जैसा कि इसका नाम है, मूवी में आपको ग्रीक लेजेंड हरक्यूलिस का एक एडवेंचर देखने मिलेगा। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb पर 4.2 की रेटिंग मिली है। एंड मूवी की स्टोरी की बात करूं तो आपको इस मूवी में हरक्यूलिस के हरक्यूलिस बनने की ओरिजिन स्टोरी देखने मिलेगी, कि कैसे हरक्यूलिस के सौतेले फादर ने उसे अपने किंगडम से निकाल एक गुलाम के तौर पर बेच दिया था, और फिर कैसे हरक्यूलिस ने सारी मुसीबतों का पार कर अपना राज्य फिर से हासिल किया। मूवी में काफी सारा एक्शन और ब्लेड फाइट्स आपको देखने मिल जाती हैं, और मूवी में दिखाई गई लोकेशंस भी काफी खूबसूरत हैं। नंबर 9, ट्रॉय। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में, जिसमें लीड रोल में आपको देखने मिल जाते हैं ब्रैड पिट। ये एक ड्रामा हिस्ट्री मूवी है जिसमें आपको कोई ग्रीक गॉड तो नहीं, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी की एक इपिक फाइट बैटल देखने मिलती है। एंड इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी की बात करूं तो इसकी स्टोरी द इलियड नाम की एक स्कूल पोयम पर बेस्ड है, जिसमें हम ट्रॉय और ग्रीक आर्मीज के बीच का एक घमासान युद्ध देखते हैं। मूवी में काफी खून खराबा शामिल है, जिसकी वजह से ये एक आर रेटेड मूवी है, और मूवी में आपको सिर्फ फाइट्स ही नहीं बल्कि एक कमाल की स्टोरी भी देखने मिलती है। नंबर 8, गॉड्स ऑफ इजिप्ट। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2016 में, और ये भी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी बैक नाम के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो होरस नाम के गॉड के साथ मिलकर गॉड ऑफ डार्कनेस सेट को हराने के मिशन पर है, जिसने पूरी इजिप्ट में तबाही और भूचाल मचा रखा है। मूवी में आपको काफी डिफरेंट इजिप्शियन गॉड्स देखने मिलेंगे, जो अपनी अपनी पावर्स के साथ आपको स्क्रीन पर काफी एक्शन करते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, मूवी में आपको काफी विशाल मॉन्स्टर भी देखने मिल जाते हैं, और मूवी एक ठीक ठाक सी स्टोरी भी होल्ड करती है। नंबर 7, पर्सी जैक्सन डुओलॉजी। इस डुओलॉजी की फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी 2010 में पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ के नाम से, जो कि एक फैमिली एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। एंड इसे IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। ये दोनों ही मूवीज बेसिकली नार्निया टाइप एडवेंचर मूवीज हैं, बस एक ग्रीक फ्लेवर के साथ, जिसमें आपको काफी सारे ग्रीक गॉड्स एंड उनकी स्टोरीज देखने मिलती हैं। मूवी की स्टोरी पर्सी जैक्सन के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि ज्यूस के भाई पोसाइडन का बेटा होता है। पर्सी का मिशन है सभी ग्रीक गॉड्स के बीच चल रही फाइट को रोकना, जिसकी वजह से उनकी दुनिया पर तरह तरह के अटैक्स हो रहे थे। मूवी में आपको काफी मिथिकल मॉन्स्टर्स एंड डीमंस देखने मिलते हैं, एंड साथ ही दोनों मूवीज में एक डिसेंट सी स्टोरी भी देखने मिल जाती है। नंबर 6, क्लैश ऑफ द टाइटंस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में, एंड ये ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जो कल्ट क्लासिक गेम सीरीज गॉड ऑफ वॉर से काफी हद तक मैच होती है। गेम की तरह ही मूवी में भी हम सन ऑफ ज्यूस की स्टोरी देखते हैं, लेकिन यह क्रेटस न होकर पर्सियस ज्यूस का नाजायज बेटा है, जो उसे एक डेमी गॉड बनाता है। इस मूवी को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है, जिसमें हम पर्सियस को अपनी फैमिली की डेथ के लिए हेडीज से अपना रिवेंज लेता देखेंगे। मूवी में काफी मॉन्स्टर फाइट्स आपको देखने मिल जाती है, साथ ही मूवी की स्टोरी और इसकी लोकेशंस भी काफी लाजवाब है, जो आपको ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड मूवीज का फैन बना देंगी। नंबर 5, रेथ ऑफ द टाइटंस। क्लैश ऑफ द टाइटंस की तरह ही इसका सीक्वल रेथ ऑफ द टाइटंस भी एक मस्ट वॉच ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड मूवी है, जिसे आपको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में, एंड अपने प्रीक्वल की तरह ही ये भी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी पर्सियस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो इस बार अपने फादर ज्यूस को अपने भाई गॉड ऑफ वॉर एरीस से बचाने के मिशन पर निकला है। लेकिन इस बार ये मिशन इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एरीस ने अपने टाइटंस की एक आर्मी पर्सियस को मारने भेजी है। अब कैसे पर्सियस इस टाइटंस की फौज से बचता हुआ अपने फादर को बचाता है, यही लाजवाब एक्शन पैक्ड स्टोरी आप इस मूवी में देखेंगे। नंबर 4, वंडर वुमन। वाई नॉट, भले ये मूवी DC यूनिवर्स से बिलोंग करती हो, बट स्टिल ये ग्रीक माइथोलॉजी से पूरी तरह कनेक्टेड है। मूवी रिलीज हुई थी 2017 में, जिसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है, और मूवी की स्टोरी DC यूनिवर्स की वंडर वुमन डायना प्रिंस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि हरक्यूलिस की तरह ही एक डेमीगॉड है और ज्यूस की बेटी भी। मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सेट है, जिसे एक ग्रीक माइथोलॉजिकल टर्न देके मूवी में चल रही वॉर का रीजन एरीस द गॉड ऑफ वॉर को बताया है। इतना ही नहीं, मूवी की लास्ट बैटल में आपको खुद हेडीज भी देखने मिल जाता है, वरना वंडर वुमन खुद एक परफेक्ट रीजन है इस मूवी को देखने का।
नंबर 3 हरक्यूलिस। गेस लिस्ट की सेकंड हरक्यूलिस मूवी है जो कि नंबर 10 वाली हरक्यूलिस मूवी की तरह ही एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसे 2016 में रिलीज किया गया था। मूवी का IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और यहाँ हरक्यूलिस के रोल में आपको खुद ड्वेन जॉनसन AKA द रॉक देखने मिल जाते हैं। मूवी में हरक्यूलिस को एक बाउंटी हंटर के तौर पर दिखाया गया है जिसके 12 लेजेंडरी किस्से बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो पैसों के लिए अपनी स्ट्रेंथ से लोगों की हेल्प करता है। लेकिन इस बार हरक्यूलिस का सामना जिस वॉरलॉर्ड से होगा उसका सामना करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। मूवी पूरी तरह एक्शन पैक्ड है और साथ ही इस मूवी में आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने मिल जाती है। नंबर 2 300 रिलीज हुई थी 2006 में जो कि एक एक्शन रोमन ड्रामा मूवी है। मूवी का IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने। मूवी की स्टोरी एक रियल हिस्टोरिकल बैटल पर आधारित है जो कि हुआ था स्पार्टन्स और पर्शियंस के बीच, जिस युद्ध में कुल 300 स्पार्टन्स ने हजारों लाखों पर्शियंस से मुकाबला किया था। मूवी का लीड कैरेक्टर किंग लियोनाइडस जो कि अपने 300 लोगों की सेना का हेड है एंड इस आर्मी का टास्क है पर्शियंस आर्मी को मरते दम तक अपनी सीमा से दूर रखना। ये एक R-rated मूवी है जिसमें आपको काफी मारकाट और खून खराबा देखने मिलेगा एंड मूवी की डायरेक्शन देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। मूवी की स्टोरी से लेकर इसके इमोशंस, इसके स्लो मोशंस सभी काफी कमाल के हैं। भले ही मूवी में किसी ग्रीक गॉड की प्रेजेंस ना हो बट स्टिल ये मूवी ग्रीक माइथोलॉजी पर आधारित हिस्ट्री में बनी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी है। एंड फाइनली नंबर 1 इमॉर्टल्स। इमॉर्टल्स मूवी रिलीज हुई थी 2011 में जिसमें लीड रोल में आपको देखने मिलेंगे हेनरी कैविल। ये एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी हेनरी कैविल के कैरेक्टर थीसियस के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसे खुद ज्यूस चुनते हैं किंग हिपोरियन को रोकने के लिए जो कि निकला है ह्यूमैनिटी को जड़ से मिटाने के मिशन पर। मूवी अनडाउटली ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसमें लिटरली आपको ग्रीक गॉड्स मरते दिखेंगे। ये मूवी भी एक हार्ड R-rated मूवी है जिसमें सेक्स, न्यूडिटी एंड काफी ब्रूटल वायलेंस देखने मिलता है जिसमें ग्रीक गॉड्स ऐसे मरते हैं मानो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हो। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो एक ट्राई देकर जरूर देखें। इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक इंडियन एक्ट्रेस फ्रीडा पेंटो देखने मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। इन सभी मूवीज को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाना। हम जल्द लौटेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।